कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है। आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए, कैसे होगा क्योंकि छात्रों का जीवन नहीं, बर्बाद हो जाता है। सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए, मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडिया को और लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है। और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है, तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इंपार्शल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक यह होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी यह बढ़ता जाएगा। सर, एनटीए के अंदर सारे एग्जाम्स आने लग गए हैं, नीट भी, नेट भी, और इवन कॉलेज एडमिशंस भी उसी पे हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वहीं खत्म हो जा रही है क्योंकि वो एक एजेंसी जो है वही सारा कंडक्ट करा रही है, तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं खत्म करने की जरूरत है या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा।